नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर कंप्यूटर परम रुद्र जो कि 3 थे उनको देश को समर्पित किया है। किस प्रकार से सुपर कंप्यूटर देश में शोध को या रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, मानव कल्याण के लिए, इस विषय पर करेंगे विस्तार से बात। इसके अलावा आपको खबर दिखाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों की नेम प्लेट को लेकर जो विवाद हुआ वो कांग्रेस की अंतर्कलह तक आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ है आज दिन भर इस पूरे मसले पर, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा बात होगी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के जमीन घोटाले के मामले को लेकर लगातार क्यों बढ़ रहा है इस्तीफे का दबाव। इसके साथ ही होगी बात विधानसभा चुनाव में, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा की आज की सियासी खबरों को आप तो दिखाएंगे। बात होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का किया उद्घाटन। कहा, आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तलाश रहा है। हिमाचल सरकार के नेम प्लेट फैसले पर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद, टीएस सिंहदेव ने फैसले पर जताई आपत्ति। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी सफाई, कहा सरकार ने नहीं दिया ऐसा कोई आदेश। बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। मुडा जमीन घोटाले में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस्तीफे की मांग पर भड़के, भाजपा और जेडीएस का विरोध प्रदर्शन जारी। कहा, कुर्सी छोड़े सिद्धरमैया। कर्नाटक सरकार ने कहा, कर्नाटक में किसी भी मामले की सीबीआई जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी जनसभा में कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने वर्षों तक जम्मू कश्मीर को विकास से महरूम और आतंकवाद से रखा पीड़ित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में की चुनावी जनसभा। मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया पर भ्रष्टाचार का लगाया था निराधार आरोप। संजय राउत को मिली जमानत। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा। 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। इसराइल ने बेरूत पर किया हमला, हिजबुल्ला कमांडर को मार गिराने का दावा। इसराइली पीएम ने युद्ध विराम की खबरों को बताया निराधार। भारत ने कहा, लेबनान की यात्रा से बचे भारतीय। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम और एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर HPC प्रणाली देश को समर्पित की है। इन सुपर कंप्यूटर्स को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। नई उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणालियों को अर्का और अरुणिका नाम दिया गया है। इस उद्घाटन को प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर युवाओं को समर्पित किया। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में मैंने युवाओं के लिए 100 दिन के अलावा 25 अतिरिक्त दिन देने का वादा किया था। उसी क्रम में आज मैं ये सुपर कंप्यूटर देश के मेरे युवाओं को डेडिकेट करना चाहूंगा। भारत के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भारत में ही मिले, इस दिशा में ये सुपर कंप्यूटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। सुपर कंप्यूटर्स कैसे किसानों और मछुआरों की मदद करेंगे? सुपर कंप्यूटर तय करेगा कि मेरे छोटे से छोटे इलाके के किसान के पास दुनिया की बेस्ट नॉलेज उपलब्ध होगी। इसका बहुत बड़ा लाभ अब छोटे से छोटे गांव में
खेती कर रहे किसानों को होगा, क्योंकि इससे अब किसान अपनी फसल के लिए सही निर्णय ले पाएगा। इसका लाभ समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों को होगा। हम किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नए तौर तरीके निकाल पाएंगे। इससे इंश्योरेंस बीमा, जो फसल बीमा होता है, इंश्योरेंस योजनाओं की सुविधा पाने में भी मदद मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली से मौसम का सटीक अनुमान लगाया जाएगा, जिससे आम लोगों को जीवन में बदलाव आएगा। एचपीसी सिस्टम के आने के बाद मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी करने में देश की वैज्ञानिक क्षमता, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अब हम हाइपर लोकल यानी बिल्कुल स्थानीय स्तर पर मौसम से जुड़ी ज्यादा सटीक जानकारी दे पाएंगे, यानी एक गांव उस गांव के इलाके तक की बता पाएंगे। सुपर कंप्यूटर जब एक दूर दराज के गांव में मौसम और मिट्टी का विश्लेषण करता है, तो ये केवल विज्ञान की उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि यह हजारों लाखों जिंदगियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नया भारत वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और अनुसंधान से आत्मनिर्भरता हमारा मंत्र है। आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, यह हमारा दायित्व है। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है। इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई ऐतिहासिक अभियान शुरू किए हैं। तो अपने आप में सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है और कैसे ये काम करते हैं, जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कैसे मानव कल्याण के लिए इस शोध के काम को आगे बढ़ाएंगे सुपर कंप्यूटर के माध्यम से, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं कि आखिर सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को लेकर जो आज प्रधानमंत्री ने 3 रुद्र सौंपे हैं उसमें क्या विशेषताएं हैं। उसमें अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही कि किस तरीके से आधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक तरीके से है जो कि आज के समय में विश्व की उन्नत तकनीक से बना हुआ है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अपने आप में हाई एंड टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। पूर्णता स्वदेश निर्मित है, ये अपने आप में और बड़ी बात है, क्योंकि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मौसम, दवा का क्षेत्र और या फिर पदार्थ विज्ञान जिसको मटेरियल साइंस कहते हैं, AI की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में ये मददगार साबित होगा और अपने आप में इसकी मदद से जो शोध होंगे वो इन क्षेत्रों में अपने आप में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। इसी तरीके से 130 करोड़ से 3 सुपर कंप्यूटर यानी कि परम रुद्र सुपर 3 कंप्यूटर जो है उनको बनाया गया है और ये आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किए हैं, जो कि शोध में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। इसी प्रकार से जो ये 3 कंप्यूटर हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, पुणे, दिल्ली, कोलकाता में ये इनको स्थापित किया गया है। जो पुणे में स्थापित किया गया है वो मुख्य तौर से खगोलीय घटनाओं का रिसर्च करेगा, उसके अलावा जो दिल्ली में स्थापित है वो पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी रिसर्च के क्षेत्र में मुख्यतः एक तरीके से रिसर्च में फायदेमंद साबित होगा, और कोलकाता में जो स्थित है वो भौतिकी, ब्रह्मांड और पृथ्वी विज्ञान रिसर्च में मददगार साबित होगा। तो ये देश के 3 अलग अलग शहरों में ये 3 सुपर कंप्यूटर्स स्थापित किए गए हैं और मोटे तौर पर 3 अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से इसमें रिसर्च को फायदा होता नजर आएगा, जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर
बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये अपने आप में इस दिशा में शुरू हुआ था, जिसने एक बड़ा आधार तैयार किया है भारत में इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर। मार्च 2015 में इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी। लगभग 4500 करोड़ रुपए के लागत के बजट से उस वक्त घोषणा की गई थी, जिसमें लगातार जरूरत के मुताबिक बजट प्रोविजंस बढ़ाए जाएंगे जैसी जैसी जरूरत होती रहेगी। उसके अलावा 70 सुपर कंप्यूटर की एक ग्रिड तैयार की जाएगी, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो और उनमें आपस में भी इस प्रकार का जुड़ाव हो, ताकि वो एक दूसरे को सहयोग करके और भी बड़े सुपर कंप्यूटर की तरीके से काम कर सके। तो ये हमारे सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एक हिस्सा है। इसी तरीके से ये शैक्षणिक संस्थानों की बात हो या फिर रिसर्च डेवलपमेंट की जो संस्थान है उनको भी आपस में जोड़ने के लिए ये पूरी ग्रिड काम करेगी, ताकि जिन भी ज्योग्राफिकल इलाकों में भारत के अलग अलग हिस्सों में छात्र या शोधार्थी काम कर रहे हैं वो भी आपस में जुड़कर एकीकृत तरीके से काम कर सकें, ताकि आइसोलेशन में काम ना हो बल्कि कंप्रिहेंसिव तरीके से मिलकर काम को आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से जब हम सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करते हैं तो इसमें जो उद्देश्य था वो किस तरीके से था कि सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी के माध्यम से शोध को आगे बढ़ाया जाए। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का एक नायाब उदाहरण के तौर पर इसको कहा जा सकता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मुख्य तौर से इनके माध्यम से इस पर काम हो रहा है, इस पूरे मिशन को लेकर। और सीडेक पुणे में जो स्थित है, इसके अलावा IISc बेंगलुरु में जो स्थित है, ये दो वो बड़े संस्थान हैं जो इस तरीके से सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि भारत में बनने वाले सुपर कंप्यूटर के लिए मुख्यतः ये दो मंत्रालय और ये दो जो संस्थान है ये काम कर रहे हैं। तो ये देश में 2015 में जो मिशन शुरू हुआ उसकी वजह से एक बड़ा आधार दिखाई पड़ रहा है। सुपर कंप्यूटर कैसे काम करता है ये भी समझना जरूरी है। बहुत शक्तिशाली और तेज गति से इसका प्रदर्शन होता है, यानी कि बहुत फास्ट होता है, हमारी सोच से ज्यादा फास्ट इस तरीके से इसमें काम होता है। बहुत डेटा एक साथ ये प्रोसेस करने की इसकी क्षमता होती है। अलग अलग काम के लिए कंप्यूटरों में एक तरीके से उस पूरे अलग अलग हिस्से होते हैं और वो काम को बांट के एक तरीके से काम करते हैं, ताकि काम बेहतरी से कम समय में हो सके। सभी हिस्से एक साथ काम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जो भी डेटा आपने डाला उसको प्रोसेस करने का जो काम है वो एक साथ करते हैं, और पूरा जो सिस्टम है वो एक तरीके से एकीकृत होता है, एक तरीके से जुड़ा हुआ होता है, और वो एक सिस्टम से जुड़ते हैं बहुत से प्रोसेसर्स। तो सभी प्रोसेसर्स एक समय में बहुत अलग अलग काम करते हैं, एक प्रकार का डेटा रिफाइन करके जो उनकी प्रोबेबिलिटी, जो हम गणना करना चाहते हैं, जो आंकड़े निकालना चाहते हैं, उसकी जानकारी, सटीक जानकारी बहुत कम समय में बहुत बेहतरी के साथ में देते हैं। तो मोटे तौर पे कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर, यानी बहुत तेज गति से काम करते हैं ये सुपर कंप्यूटर्स, और इसका फायदा विज्ञान के क्षेत्र में लगातार मिलता दिखाई पड़ रहा है। अगले तथ्य से आपको रूबरू कराएं तो बता सकते हैं कि क्या होता है सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किस तरीके से और कहां कहां पे होता है। विनिर्माण का क्षेत्र हो, पेट्रोलियम, दवा, सैन्य उत्पादों की डिजाइन, इन तमाम क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं और जो डिजाइन कर रहे हैं क्या वो जमीन पे बेहतरी से काम करेगा। ये तमाम जो शोध के विषय होते हैं उस सब में ये काम करता नजर आता है। जैसा प्रधानमंत्री आज अपने वक्तव्य में कह रहे थे, मौसम पूर्वानुमान में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है सटीक जानकारी, जो कि देश के किसानों, मछुआरों, सबको फायदेमंद होती है। खगोलीय गणना की बात हो, अंतरिक्ष में हमारे जाने वाले मिशन की बात हो, सब में मदद करता है। जीनोम मॉडलिंग से इलाज, यानी जीनोम मॉडलिंग से बीमारी को समझना और उसके इलाज में भी बहुत बड़े परिवर्तन का वाहक सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं। विमानन इंजीनियरिंग में भी, यानी कि जब विमान बनते हैं उसका डिजाइन कैसा होता है, तमाम प्रकार की उसके सामने दिक्कतें की चुनौतियां कैसे आती हैं, उस दिशा में भी सुपर कंप्यूटर अपने आप में बहुत मददगार साबित होते हैं। क्या होता है सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल इस क्षेत्र के लिहाज से अगर बात की जाए तो अंतरिक्ष मिशन में भी ये काम आते हैं। फ्यूजन ऊर्जा तकनीक, जो कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है, उस पर मददगार साबित होते हैं। बिग डेटा एनालिसिस के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत तेज गति में पलक झपकते ही काम हो जाता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, यानी कि जब डिजास्टर होता है तो कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इस दिशा में भी देशों को मदद करते हुए सुपर कंप्यूटर आते हैं नजर। तो ये बेहद महत्वपूर्ण कि कहां कहां पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत में सुपर कंप्यूटर के लिहाज से जो चरण लगातार रहे, तो 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बना था। पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय IIT BHU में स्थापित है। भारत के पास 11 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स इस वक्त मौजूद हैं। परम अनंत, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म जैसे तमाम नामों से इन सुपर कंप्यूटर्स को अलंकृत किया गया है, और परम सिद्धि 2020 में दुनिया में 62वीं रैंक हासिल करने वाला भारत का सुपर कंप्यूटर है। यानी कि दुनिया के मोर्चे पर जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जिनमें भारत का संख्या के आधार पर भले ही काफी नंबर पीछे हो, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका प्रोसेस करने का तरीका है, वो अपने आप में दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर्स के सामने, सुपर कंप्यूटर्स के सामने खड़ा होने की क्षमता और मादा रखता है। तो ये दिखाता है कि भारत में भी कैसे तेज गति से इस दिशा में काम हो रहा है। तो ये तमाम बातें, अगर आप बड़े प्लेयर्स की बात करें इस दुनिया में, तो चीन सबसे आगे है सुपर कंप्यूटर में, उसके पास 219
सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद अमेरिका के पास 116, जापान के पास 35, जर्मनी के पास 25, फ्रांस के पास 11 और फ्रांस के पास 18 और भारत के पास 11। यानी कि भारत भले ही अभी संख्या 11 पे खड़ा है, लेकिन ये तेज गति से बढ़ेगा, क्योंकि 2015 में जो कंप्यूटर मिशन जो शुरुआत हुआ है सुपर कंप्यूटर का मिशन का, वो भारत को तेज गति से आगे बढ़ने में मददगार साबित करेगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि दुनिया के मोर्चे पे सुपर कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, लेकिन भारत भी दुनिया से तेज गति से कदम ताल बनाने को तैयार खड़ा हुआ है। कैसे ये तमाम बातें भारत के आम नागरिकों की जिंदगी में बदलाव लाएंगी, इस विषय पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर वन पशु आहार। हाथ धोकर आते हैं, साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज़ नाइट में। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे सुपर कंप्यूटर, जो कि आज 3 मिले हैं भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस विषय पे हम करेंगे चर्चा, इससे जुड़ा हमारा विशेष है, सुपर कंप्यूटर से सुपर पावर बन रहा भारत। तो अपने आप में भारत एक महाशक्ति बने, उस दिशा में सुपर कंप्यूटर से भी भारत को एक मदद मिलती नजर आएगी। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भुवनेश कुमार जी हैं, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। भुवनेश जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, पहला सवाल यही कि कंप्यूटर बड़ा अपने आप में एक थोड़ा जटिल पूरी प्रक्रिया है, कैसे काम करता है, एक आम आदमी के नजरिए से समझने की अगर कोशिश करें तो ये कैसे आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक बड़ा काम करने में साबित या मददगार होंगे आज के ये 3 सुपर कंप्यूटर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और जिस तरह से बड़े ही सरल तरीके से आपने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को उससे बहुत ही लाभ हुआ होगा। सभी लोग जानते हैं कि आज के युग में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत महत्व है और लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो ये हमारे सामान्य कंप्यूटर हैं, ये बहुत बार अधिक गणनाएं करने में सक्षम नहीं होते हैं और इनकी गति धीमी होती है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा गणना करनी होती है तो ये कंप्यूटर काम नहीं कर पाते हैं और असफल हो जाते हैं। इसलिए उन दशाओं में हमको सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है, और भारत ने अब एक क्षमता प्राप्त कर ली है जहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर अपने देश में ही बना रहे हैं। 2015 में जब हमने सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया था NSM के नाम से, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से ये मिशन स्वीकृत हुआ था, जो भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर शुरू किया गया था। और इसमें हमारी संस्था है CDAC और IISc बैंगलोर, ये 2 संस्थाएं हैं, इन्होंने इस पर काम शुरू किया था।
प्रारंभ में हम लोग जो है सर्वर्स और बाकी उपकरण जो है बाहर से मंगाते थे, लेकिन बाद में डिज़ाइन यहाँ किया गया और जो सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ तैयार किया गया और जो नेटवर्क है उसको भी यहाँ तैयार किया गया। और अब जो इसके जो मुख्य कंपोनेंट होता है किसी भी सुपर कंप्यूटर का, जो उसका सर्वर होता है और जो उसका सॉफ्टवेयर होता है और नेटवर्क होता है, तीनों चीज़ें भारत में डिज़ाइन और विकसित कर ली गई हैं। इस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तीन सुपर कंप्यूटर देश को लोकार्पित किए हैं वो सब पूर्ण रूप से भारत में विकसित किए गए हैं। और अगर हम चिप्स और कंपोनेंट्स को छोड़ दें तो अब हमारा जो स्थानीय योगदान है इसमें वो 50% से अधिक हो गया है। इसके बाद हमारी टीम जो है ओम प्रोसेसर पर काम कर रही है, उसके बाद जो ये स्थानीय योगदान है ये और भी बढ़ जाएगा। और जैसा आपने बताया जी, आज जो तीन सुपर कंप्यूटर लोकार्पित किए गए हैं उसमें तीन पीटाफ्लॉप कैपेसिटी का एक सुपर कंप्यूटर है जो IUAC में लगाया गया है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेटर सेंटर में। इसकी लागत लगभग 82 करोड़ रुपए है। पीटाफ्लॉप के बारे में मैं अगर बताऊं तो ये 10^15, यानी कि अगर हम मेगा कहते हैं तो 10^6 होता है और अगर टेरा कहते हैं तो 10^12 होता है, यानी कि अगर एक के आगे 12 जीरो लगा दिए जाए तो वो संख्या आएगी, उसके आगे 15 जीरो लगा दिए जाएंगे तो पीटाफ्लॉप आएगी। तो इतनी गणनाएं एक साथ करने में ये सक्षम होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्वर बोर्ड लगाए जाते हैं और उन सब पर प्रोसेसर लगे होते हैं। इस तरह से ये समानांतर रूप से पैरेलल कहते हैं, समानांतर रूप से काम करते हैं और इतनी सारी गणनाएं करने में सक्षम होते हैं। और इसलिए ये जो खास फील्ड है उन सब फील्ड में जो काम है उसकी गणनाओं को कर पाने में सक्षम होते हैं। सामान्य कंप्यूटर से या तो वो हो नहीं पाएंगे या उसमें कई दिन लग जाएंगे उसको गणना को पूरी करने में, और ये कंप्यूटर जो है उनको घंटों और मिनटों में उस गणना को पूरी कर देते हैं जी। इसलिए ड्रग डिस्कवरी, एस्ट्रोफिजिक्स, लाइफ साइंसेस, बायोलॉजिकल, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की मैपिंग कर पाना, फ्लड एरियाज की मैपिंग कर पाना, ये सब जो है इससे संभव हो सकता है और डिजिटल ट्विन बनाए जा सकते हैं। तो भारत अब इसमें सक्षम हो गया है एक तरह से। सर, अगर आपकी बात को मैं आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं कि जो शोध शायद कई सालों या वर्षों में हो पाने थे, हम इस बढ़िया सुपर कंप्यूटर की गणना की वजह से उसको बेहतर तरीके से पहले कर पाएंगे जिसका फायदा मानवता को मिल पाएगा, कम से कम क्या इस तरीके से समझा सकता है इस बात को? निश्चित रूप से लगभग 33 संस्थान ऐसे हैं हमारे जहां पर इस मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर स्थापित कर दिए गए हैं, जिसमें IIT वाराणसी, IIT गुवाहाटी, ISC बेंगलुरु, ये जितने भी IITs मुख्य हैं और जो NITs हैं वहां पर स्थापित किए गए हैं, और इसके अतिरिक्त CDAC में स्थापित हैं। और अब तीन जो ये संस्थान हैं, GMRT जिसे जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं और ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित है पुणे में, और इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर है ये दिल्ली में स्थापित है, और इससे सभी यूनिवर्सिटीज जुड़ी हुई हैं और खासतौर पे एटॉमिक फिजिक्स में परमाणु से संबंधित जो गणनाएं होती हैं उसके लिए बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं इसमें और वो इस फैसिलिटी का लाभ ले पाएंगे। इसी तरह से SN बोस सेंटर फॉर लाइफ बेसिक साइंसेज जो कोलकाता में है, वहाँ पर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, फिजिक्स, हाई पावर एनर्जी, इन सब फील्ड में रिसर्च हो पाएगी, संभव हो गई है अब, और इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे सामने आए जी। सर, जिस प्रकार से 70 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की एक ग्रिड देश भर में अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में बनाने का पूरा मिशन चल रहा है, उस दिशा में हम अब आगे कैसे बढ़ते नजर आएंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अनुसंधान से कैसे आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से भारत बढ़ रहा है आज। जैसे जैसे हमारे सुपर कंप्यूटर और हमारे पास सर्वर उपलब्ध होते जा रहे हैं, ये परम रुद्रा सर्वर बोर्ड जो मैं कह रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर स्टैक जो है पहले से ही विकसित हो चुका है, और त्रिनेत्रा हमारा जो इंटरनेट नेटवर्क कार्ड है वो भी विकसित हो चुका है, उसके माध्यम से हम स्थापित करते जा रहे हैं। तीन अभी हुए हैं, इसके बाद और सुपर कंप्यूटर जो है वो आगे स्थापित होने हैं, वो पाइपलाइन में है। इस एक 20 पीटाफ्लॉप जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होगा भारत का, वो बेंगलुरु में स्थापित हो रहा है, उसका काम चालू है और बहुत शीघ्र ही उसको भी पूर्ण किया जाएगा। और वो जिस तरह से अगर आप देखें कि ये सुपर कंप्यूटर सब मिला के इनकी अभी जो क्षमता है वो 32 पीटाफ्लॉप है, और वो 20 पीटाफ्लॉप का अकेला सुपर कंप्यूटर होगा और एक बहुत विशाल क्षमता का सुपर कंप्यूटर होगा। आज के युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, ये सुपर कंप्यूटर जो है भारत को सक्षम बनाएंगे आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देश में विकसित करने में बहुत मदद मिलेगी, जो रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे, इन फैसिलिटीज का उपयोग कर पाएंगे और नए नए मॉडल विकसित करेंगे।
हमारा एक सुपर कंप्यूटर है एरावत के नाम से, जो एआई शुरू होता है, उसमें एआई जो पहला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है उसे वर्ष 2022 में पूरे विश्व में 75वें सबसे तेज कंप्यूटर का स्थान मिला था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित रिसर्च ऑलरेडी हो रही है जी। और अब ये सुपर कंप्यूटर जहां जहां उपलब्ध हो जाएंगे वो भी इसके माध्यम से एआई पर काम कर पाए जी। सर प्रधानमंत्री जी, जहां स्थापित किया जाता है जी, केवल उसी संस्थान के लिए नहीं होता, बल्कि जो आसपास के संस्थान हैं उनके साथ भी ये फैसिलिटी बांटी जाती है, शेयर की जाती है। और ये जो फैसिलिटी स्थापित है वहां से लगभग 200 से अधिक संस्थान इसका उपयोग कर पा रहे हैं, 10,000 से भी अधिक रिसर्चर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, 1500 से अधिक पीएचडी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जिनको सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड स्किल्स में और उसकी ट्रेनिंग दी गई है जी। और लगभग 1 करोड़ जो जॉब्स हैं वो इन सुपर कंप्यूटर पर अब तक संपादित किए जा चुके हैं, और लगभग 1200 रिसर्च पेपर अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इस सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और देश प्रगति के राह पर बढ़ रहा है। सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 का एक बड़ा आधार बनेगा इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर, जो भारत को सुपर पावर बनाने के लिए आगे मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आज के इस पूरे कार्यक्रम को विशेष तौर पर युवाओं को समर्पित करते हैं, किस तरीके से ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं? देखिए, एक तो जो हमारे सुपर कंप्यूटर देश में बनने शुरू हुए हैं VVDN नाम की कंपनी में और केन्स नाम की कंपनी में, VVDN गुड़गांव में स्थापित है और केन्स जो है कर्नाटका में स्थापित है, उसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिला है। और जो हमारे रिसर्चर हैं वो सब बहुत युवा हैं जो PhDs कर रहे हैं और इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये फैसिलिटीज जो हैं वो पूरी तरह से युवाओं को समर्पित हैं और उनके भविष्य के लिए हैं, जो राष्ट्र का भविष्य लिखेंगे आगे चल। तो सर इंडस्ट्री 4.0 को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसका एक बड़ा आधार बनेगा, भारत जिस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, कैसे मददगार होंगे ये सुपर कंप्यूटर्स? जैसे जैसे हमारे पास और अधिक सुपर कंप्यूटर उपलब्ध होते जाएंगे वैसे वैसे इनका प्रयोग जो है इंडस्ट्री में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तक ये जो सुपर कंप्यूटर हमने बनवाए हैं ये हमने शैक्षिक संस्थानों में और रिसर्च लैब्स में उपलब्ध कराए हैं, लेकिन जो कंपनियां अब इनको बना रही हैं वो निश्चित रूप से इनको मार्केट में भी उपलब्ध कराएंगी, और मार्केट में जब ये सुपर कंप्यूटर उपलब्ध हो जाएंगे तो इंडस्ट्री 4.0 में इनका प्रयोग होगा और निश्चित रूप से भारत एक सुपर शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया जी। प्रधानमंत्री ने अपने बात को रखते हुए एक उदाहरण भी दिया, वो किसानों को लेकर, मछुआरों को लेकर था, किस तरीके से, क्योंकि एक आम देश के किसान अन्नदाता की जिंदगी में इस प्रकार की गणनाएं मददगार साबित होंगी जब ये काम करके शोध करके जमीन पर उतरेगा। तो किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, और न केवल उनके लिए बल्कि जो लोग रोगी हैं उनके लिए भी और आम जन के लिए भी ये बहुत लाभकारी हैं। जैसे ओडिशा में फ्लड मॉडलिंग का एक सिस्टम स्थापित किया गया है, और उसके अलावा जो मौसम और जलवायु का अध्ययन है उसके माध्यम से किसानों को और मछुआरों को जानकारी दी जा सकेगी, ताकि वो अपना आने वाला समय जो है उसकी ठीक से प्लानिंग कर पाएंगे और किसी प्रकार के कठिनाई में नहीं फंसेंगे। सिक्किम में एक फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है, उसकी मॉडलिंग की गई, जिससे पता लगता है कि अगर हवा की दिशा कहाँ होगी तो आग कहाँ फैल सकती है, तो उस हिसाब से उसको रोका जा सकता है। और ये गणनाएं सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है, और सामान्य कंप्यूटरों से ये गणनाएं नहीं की जा सकती हैं और ये मॉडल विकसित नहीं किए जा सकते। इनका अभी से उपयोग किया जा रहा है जी, और आगे जो है इनका उपयोग और बढ़ने की संभावना है। सर एक अंतिम सवाल, क्योंकि इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, हम जानते हैं कैसे स्कूली शिक्षा से लेकर अटल टिंकरिंग लैब का एक वैज्ञानिक शोध या समझ को विकसित करने का काम, और फिर कॉलेज और उसके बाद शोध को भी बढ़ावा देने का काम, आपको लगता है पूरा एक इकोसिस्टम एक तैयार हुआ है जिसमें विज्ञान रिसर्च शोध को एक बढ़ावा देने का एक बड़ा आधार तैयार हुआ है देश में? जी बिल्कुल, अटल टिंकरिंग लैब जो है जहां स्कूलों में है, इसी तरह से AICT और विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं जिनमें NITs, IITs और अन्य तकनीकी संस्थान शामिल हैं, वहाँ पर जो है स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हैं और उनके माध्यम से उनको अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फिर जो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं जो स्थापित किए गए हैं, इससे जो है अगले लेवल की यानी कि PhD की और रिसर्च की काम जो है इस पर किया जा सकता है। तो एक तरह से स्कूल से लेकर और पूरे रिसर्च तक और फिर उसको इंडस्ट्री तक ले जाने का पूरा एक तंत्र स्थापित हुआ है जो कि एक इंटीग्रेटेड रूप में काम कर रहा है और पूरी तरह से देश को विकसित करने में मददगार।
जी बहुत बहुत शुक्रिया भुवनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जटिल विषय को बड़ा सामान्य शब्दों में हमारे लिए समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विषय पर बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद अब खबर हिमाचल से जुड़ी हुई। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने संजौली मस्जिद स्थल पर जाकर एक वीडियो बनाया है जो कि वायरल हो रहा है। भाजपा ने उन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता शोएब जमई ने इस विवाद को और हवा दे दी है। शिमला में गुपचुप तरीके से संजौली मस्जिद के दौरे वाला वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। शोएब जमई ने वीडियो में सवाल उठाया है कि जब आसपास मौजूद दूसरी इमारतों की हाइट भी उतनी ही है तो फिर मस्जिद पर ही उंगली क्यों उठाई जा रही है। वहीं शोएब जमई की वीडियो को लेकर भाजपा ने भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोएब जमई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शोएब जमई ने शिमला में कायम हो रही शांति को भंग करने की कोशिश की है। सौहार्दपूर्ण माहौल को अगर सबसे खराब करने के लिए अगर कोई बहुत ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो वो उनकी पार्टी देती है, और उनके ही पार्टी के एक नेता शिमला आते हैं जो मस्जिद बंद पड़ी है, सील की है, जिसको कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है, वहाँ अंदर जाकर वीडियोग्राफी करते हैं। हिमाचल में जहाँ शांति प्रिय लोग हैं, जहाँ शांति को भंग करने के प्रयत्न हुए हैं इस बयान के माध्यम से, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में वीडियो जारी कर माहौल खराब करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल का राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैटर सब जूडिस है, ये मैटर कोर्ट में है, और इसके ऊपर इस तरीके से वहाँ पे जाके कोई वीडियो बनाना, वहाँ पे जाके उसको सेंसेशनलाइज करना, सनसनी बनाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। घमासान के बीच संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम ने सफाई दी है। इमाम ने शोएब जमई के बयान का खंडन करते हुए इसे शांत माहौल को खराब करने वाला बताया है। अब उनके बारे में ना हमारे मौली साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। अब हमसे यही आग्रह करते कि भाई तुम हमारा संजौली का माहौल मत खराब करो,
हम जो हमारा जो चला सिस्टम हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है। मस्जिद विवाद और बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे लोगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का भी बड़ा बयान आया है। राज्यपाल ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग हिमाचल को ऐशगाह न बनाएं। प्रशासन को इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए हिमाचल को ऐशगाह मत बनाए। बता दें कि संजौली मस्जिद का मामला फिलहाल कमिश्नर की कोर्ट में लंबित है। वहीं हिंदू संगठन सवाल कर रहे हैं कि जहां स्थानीय नागरिकों को भी जाने की इजाजत नहीं है, वहां शोएब जमाई कैसे पहुंच गए। राज्यपाल ने खुद ये कहा है कि प्रदेश में जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको लेकर एक तय मानक होने चाहिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूदा हालात जो हिमाचल के बढ़ रहे हैं उसके लिए ये कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा जरूरी अब होने लगा है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज शिमला। वो खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में मुडा जमीन घोटाले में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में भाजपा और जेडीएस सिद्धरमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सिद्धरमैया से इस्तीफे की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार इस्तीफे की मांग को नकार रही है। मैसूर में गलत तरीके से जमीन अपनी पत्नी के नाम हासिल करने का आरोप राज्य के सीएम सिद्धरमैया पर लगा है, जो पहले जांच का विरोध कर रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के रुख के बाद अब वो जांच का सामना करने की बात कह रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा घोटाला मामले में केस चलाने की मंजूरी देने के बाद विशेष अदालत ने सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच की मंजूरी दी है। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले की जांच मैसूर जिले के लोकायुक्त अधीक्षक को सौंपी है। उन्हें 3 महीने यानी 24 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस बीच भाजपा और जेडीएस सिद्धरमैया के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इफ यू वांट्स अ फेयर एंड फ्री इंक्वायरी एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन सिंस लोकायुक्त ऑल द पुलिस ऑफिसर्स आर स्टिल बीन पोस्टेड बाय द होम मिनिस्ट्री एंड ऑल द आईपीएस ऑफिसर्स आर बीन ट्रांसफर्ड बाय नन अदर देन द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ where he has posted about 1 month back all the officers to have a fair inquiry with this background. I think if Lokayukta should inquire, then he should give a free hand by resigning the present CM post. Muda case, it is a big scandal in Karnataka. Already High Court and Lower Court also given the decision. So directly they told it is a scandal. That's why court is saying, not BJP, not anybody, court is saying it is a scandal. So that's why we are asking the resignation of Mr. Siddaramaiah. वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस्तीफे के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा कि आखिर मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा कि सिद्धरमैया के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। Either in different part of the country, all of them resigned. If that is the case, there is nothing, there is no need of CM resigning. The entire party from the Delhi to the village stands with him. दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सिद्धरमैया इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन अदालत ने भी कहा कि जांच का आदेश सही है और जांच होनी चाहिए, और अब विशेष कोर्ट द्वारा लोकायुक्त जांच के आदेश से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि मुडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरु के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरु के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इन साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिका अर्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। मुडा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH सारी छुरियां भर देती है, दीवार हम वार कर देती है। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। मुथूट फाइनेंस इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड, तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडरों के नाम उनकी दुकान पर लिखने के मामले में कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आ गई है। मंत्री विक्रमादित्य के बयान के बाद ये मामला और गर्मा गया, तो वो सफाई देते नजर आए तो दिल्ली आकर उन्होंने भी सफाई देनी पड़ी है। कांग्रेस के अंदर से ही विरोध होने के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी और ज्यादा गर्मा गया है। प्रदेश में नेम प्लेट मामले में कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर नेम प्लेट लगाने के हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के फैसले से हिमाचल सरकार ने किनारा कर लिया है। सरकार में CPS संजय अवस्थी ने विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी को निजी टिप्पणी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, साथ ही उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को नसीहत भी दी। का ये जो बयान है वो मैं तो ऐसा कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है, वो बेहतर बता सकेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। श्री हर्षवर्धन चौहान जी जो कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने का एक फैसला लिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के विधायक उस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल होंगे। तो और इस विवाद को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। जो एक विवाद थम चुका है और जो उसको अगर कोई एक व्यक्ति उसको फिर से तूल देने का प्रयास करता है वो निंदनीय है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी हर भोजनालय, होटल, ढाबे और खाने पीने के सामान की रेहड़ी पर उसके मालिक की नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए थे। बुधवार को प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐसा ऐलान किया था। हिमाचल सरकार का तर्क है कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया। जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी, इट इज इररिस्पेक्टिव। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस के भीतर विरोध शुरू हो गया है। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने अपनी पार्टी के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर सवाल उठाया। ये सरासर गलत है। किसी भी समुदाय विशेष के दुकानों में, प्रतिष्ठानों में
कोई विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए लागू होती है और सबके लिए लागू होनी चाहिए। ये कानून से लोग परेशान होंगे, दिक्कत में आएंगे, इंस्पेक्टर राज फिर से चालू होगा, इसको वापस लेना चाहिए, तत्काल इसको वापस लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हिमाचल सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पहले से ही एक स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी थी जिसे हमने लागू किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद इसे रोक दिया गया। वहीं इस मामले में भाजपा भी कांग्रेस पर खुलकर निशाना साध रही है। स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी पहले से ही थी, यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, हमने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इसको इस पर अमल बंद कर दिया था और आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे, सांप्रदायिक कह रहे थे, वो आज हिमाचल में लागू कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक नहीं रहा क्या? टी एस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, कहते हैं कि अगर ऐसा फैसला सरकार ने लागू किया है तो इस सरकार को अपने सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार के नेम प्लेट फैसले का कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विरोध किया था। वहीं अब हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस में ही मतभेद दिख रहा है। ऐसे में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार द्वारा योगी सरकार की तर्ज पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर यू टर्न उसके दोहरे चरित्र को साफ दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया? नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भले वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। A warrior so brave he'll forever be hailed. Maharashtra, Maharashtra is the hit. Maharashtra Tourism. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक है, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले सभी दलों के चुनाव प्रचार में और ज्यादा तेजी आ गई है। आज भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली। इस बीच कांग्रेस और NC के बीच आपसी तकरार की खबर भी सुर्खियां बटोर रही है। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि जम्मू में कांग्रेस से जितनी उम्मीद थी उतना काम कांग्रेस ने नहीं किया है। उमर अब्दुल्ला को पसंद नहीं आया कांग्रेस का काम। राहुल गांधी से नाराज हुए उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला का आरोप, कांग्रेस ने चुनाव में उतना काम नहीं किया जितनी उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने संभाला मोर्चा। तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। तीसरे चरण में 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में किया चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है।
तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दिया है। भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है और उन्होंने आज कई जनसभाओं को संबोधित भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के चिनानी में राहुल गांधी के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं चिनानी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी तीन पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ के अपने जनसभा में जम्मू कश्मीर में दो चरणों में हुए बंपर मतदान पर कहा कि लोगों ने परिवारवादी और विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दे दी है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण के मतदान हो चुका है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच असंतोष साफ दिखने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है जम्मू में कांग्रेस से जितनी उम्मीद थी उतना काम नहीं हुआ है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू में मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक जम्मू के मैदानी इलाकों में एक्टिव नहीं हुई है बल्कि कश्मीर में रैली करने में लगी हुई है जहां उनका कोई जनाधार नहीं है। आई होप दैट आफ्टर राहुल इज डन कैंपेनिंग इन वन और टू सीट्स इन कश्मीर ही फोकसेस इन जम्मू। अल्टीमेटली व्हाट द कांग्रेस डज इन कश्मीर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हाट द कांग्रेस डज इन जम्मू इज फॉर एम्पावरिंग डेफ के माध्यम से इस दिशा में तमाम कोशिशें की गई, किस तरीके से ये जागरूकता फैलाई जा रही है तमाम उन लोगों के लिए जो सुन नहीं पाते हैं और एक तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो जो सोसाइटी फॉर एम्पावरिंग डेफ ब्लाइंड एंड एक ऐसी संस्था है जो बधिर दृष्टि बधित लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। आप अपने बारे में बताइए, अपनी संस्था के बारे में बताइए, आप डेफ ब्लाइंड लोगों को कैसे सशक्त बना रहे हैं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम ZAMIR ज़मीर DHALE ज़मीर ढाले है, यह मेरा साइन नेम है। मैं एक डेफ ब्लाइंड पर्सन हूँ जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। 1999 में जब मैंने पढ़ना चालू किया तब हमें टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हुई जिससे हमने एडवोकेसी की और मैं उसके लिए अभी भी काम करता हूँ और अभी मैं आत्मनिर्भर हूँ। मेरा यह लक्ष्य है कि मैं चाहता हूँ हम सभी लोग आत्मनिर्भर बने। हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग बोल सुन सकते हैं हम उनसे हमेशा मदद लें और उनके ऊपर निर्भर हो। हम चाहते हैं हम हमेशा आत्मनिर्भर बने। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में कई सारी बाधाएं आई होंगी, तो आप इन सबसे उभर कर कैसे बाहर आए। मुझे ऐसी कई सारी समस्याएं और बाधाएं आई क्योंकि कई सारी जगहों पर सुगम्यता नहीं होती, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बहुत मदद करती है। ब्रेल डिवाइस का मैं इस्तेमाल करता हूँ जिससे मुझे लगता है कि अब मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूँ, जिससे मैंने अंग्रेज़ी भाषा सीखी और जिससे अब मैं सभी से अंग्रेज़ी भाषा में बात भी कर पाता हूँ। अभी भी हमें ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे सुगम्यता प्राप्त करने की ज़रूरत है। अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में, आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 83वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि विकसित भारत के निर्माण में वैज्ञानिक समुदाय का योगदान काफी अहम रहा है। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के कुछ विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये हिंदुस्तान के बच्चे नहीं हैं? बंगाल में रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन से आप सांसद अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर दिल्ली जल बोर्ड में बेलदार के पद पर कार्यरत 59 वर्षीय सतपाल को थप्पड़ मारने और जूते से पीटने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित की शिकायत पर मॉडल टाउन पुलिस ने संबंधित धाराओं में नामजद FIR दर्ज की है। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत को गुरुवार को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के कुछ ही देर बाद जमानत मिल गई। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें मानहानि मामले में 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। बिहार में जितिया पर्व के अवसर पर एक घटना से मातम पसर गया। नदियों के रौद्र रूप और तालाबों का जलस्तर बढ़ने से जितिया पर्व पर नहाने गए कई लोगों की मौत डूब जाने से हो गई। राज्य के 14 जिलों में तालाब और जलाशयों में नहाने गए 40 लोगों की डूबने से मौत की खबर है। इसमें सबसे ज्यादा मौतें औरंगाबाद में हुई हैं। यहां नहाने गए 10 बच्चे डूब गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। भारतीय सेना ने गोलान हाइट्स से घायल भारतीय सैनिक सुरेश आर को C-130 एयर एम्बुलेंस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सफल निकासी के दौरान उन्हें C-130 एयर एम्बुलेंस के अंदर ही आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं। सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई की एक तस्वीर कन्नौज जिले में देखने को मिली है। यहां प्राथमिक विद्यालय उमरदा की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को स्थानीय प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलवा कर गिरवा दिया। अयोध्या धाम से सटे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को विकसित कर 5 जिलों बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा जोड़ा जाएगा। ये मार्ग 154 धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगा। साथ ही स्वामीनारायण छपिया रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक रूप दिया जा रहा है।